आज मैं फ्रेंड्स आपको बताने वाला हूँ पेटीएम पेमेंट बैंक का एस्टीमेट कैसे निकालेंगे दोस्तों अपने मोबाइल से। दोस्तों फ्रेंड्स इसमें दो तरह का एस्टीमेट होता है, एक पेटीएम वॉलेट का एस्टीमेट होता है, एक पेटीएम पेमेंट बैंक का एस्टीमेट होता है। दोस्तों मैं आपको दोनों तरीके के बारे में बताऊँगा किस तरह से आप पेटीएम एस्टीमेट निकाल सकते हो अपने मोबाइल से। दोस्तों फ्रेंड्स इसमें सब ऑप्शन आपको मिलेगा, टोटल ओपनिंग बैलेंस कितना आपका, टोटल डिपॉजिट कितना करे हो फ्रेंड्स, टोटल विड्रॉ बैंक में कितना पैसा करे हो, आपके अकाउंट में कितना पैसा जमा है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स। सब कुछ दिखाऊंगा फ्रेंड्स इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं, घंटे को प्रेस करिएगा। दोस्तों ऐसे ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स मैंने पेटीएम अकाउंट को ओपन कराऊँ। फ्रेंड्स आपने अभी तक पेटीएम अकाउंट को ओपन नहीं करा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सिंपली आप जाकर वहाँ से डाउनलोड करके ओपन कर सकते हो। फ्रेंड्स आपके पास इस तरह का पेज आएगा। फ्रेंड्स आपको नीचे की साइड कभी कभी देखा होम का ऑप्शन दिखा देगा, बैंक का ऑप्शन दिखा देगा, क्योंकि इसका फ्रेंड्स साइड चेंज होता रहता है। और फ्रेंड्स का साइड चेंज हो गया, ऊपर के यहाँ पे बैंकिंग इन फिनिश पे क्लिक करना है। इस पर फ्रेंड्स जैसे क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारा पेज खुल करेगा, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, कोई ऑप्शन चूज नहीं करना है फ्रेंड्स आपको। आपको यहाँ पर बैंक ऑप्शन पर क्लिक करना है। बैंक ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे आपका जो भी पासकोड है वो पासकोड यहाँ पर डाल करेंगे, कल करेंगे जैसे ही आपके पास इस तरह का पेज खुल कर आपको देखने के लिए फ्रेंड्स मिलेगा। यहाँ पर इसको ऊपर की साइड यहाँ पे ले जाना है। यहाँ पे फ्रेंड्स डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखा देगा, आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है, बैंक ऐसे एस्टीमेट पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ सिलेक्ट टाइम प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, आप 30 डे का निकालना चाहते हैं, 60 डे का निकालना चाहते हैं, 90 डे का निकाल, जितना भी डे का निकालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मुझे निकालना है 60 डे का, मैंने इस पर टिक लगाया। और फ्रेंड्स दो ऑप्शन है, आप जीमेल पे मंगाना चाहते हैं एस्टीमेट या एसएमएस पे मंगाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जीमेल पे मंगाना है, मैंने जीमेल पे क्लिक करा और यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हो एस्टीमेट फॉर दिस रिक्वेस्ट प्रोडक्ट पर चला गया फ्रेंड्स यहाँ पर। अब चलिए मैं जीमेल चेक करता हूँ अपना। चलिए फ्रेंड्स मैं जाता हूँ जीमेल पर, अब यहाँ पे जीमेल पे मैंने क्लिक करा, अब थोड़ा यहाँ पे इसको रेफरेंस देना है, रेफरेंस देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक एस्टीमेट इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुका है पेटीएम एस्टीमेट, इस पर मैंने क्लिक करा। अब थोड़ा ये सर्च लेगा, इसको सर्च लेने दिए फ्रेंड्स यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा अपने आपके पास। और फ्रेंड्स देख सकते हो मेरा टोटल ओपनिंग बैलेंस 0 है, टोटल डिपॉजिट 16,390 है, टोटल विड्रॉ बैंक में 16,286 रुपये है, मेरा 104 रुपये अभी अकाउंट में बैलेंस बचा है। कितना कितना मैंने ट्रांजेक्शन करा है, 2,000 करा है, 500 करा है, ऐसे ऐसे मेरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ है, 1,000 है, 7,000 रुपये यहाँ पे, 2,000, 3,000, ऐसे ऐसे मेरा ट्रांजेक्शन हुआ है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मुझे निकालना है तो पेटीएम वॉलेट का, मैं पेटीएम फिर से पेटीएम बैंक में जाता हूँ और इसको बैक कर लेता हूँ यहाँ से। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जाना है पासबुक पे, पासबुक पे क्लिक करना है। और फ्रेंड्स अब जैसे मैंने क्लिक करा अब आपको इस तरह का पेज खुल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे पेटीएम वॉलेट पे क्लिक करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन निकला है, सेंड मनी, ऐड मनी टू वॉलेट। अब यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में दिखा देगा रिक्वेस्ट एस्टीमेट, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स एक डे का मांगना चाहते हैं, 3 मंथ का लगाना है, 6 मंथ का, जितना भी मंथ का निकालना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे। अब मुझे जैसे मंगाना है 3 मंथ का तो मैंने 3 मंथ पर क्लिक करा। और फ्रेंड्स जितना भी मंथ का निकालना चाहते हैं वो मंथ पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करते हैं। अब कन्फर्म पे क्लिक करेंगे आपके पास डन का ऑप्शन है, डन कर देगा आपके जीमेल आईडी पे चला जाएगा फ्रेंड। जैसे जीमेल आईडी पे जाएंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे चेक करना है, जैसे रेफरेंस देंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले इसका एस्टीमेट निकाल चुका हूँ, मैं नहीं निकाल सकता हूँ फ्रेंड। इसी तरीके से आप फ्रेंड्स निकाल सकते हो अपने पेटीएम का एस्टीमेट। दोस्तों फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर मन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं फ्रेंड्स।